एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द चैप्टर कैश बुक। छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कैश बुक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन ये रहा, आप अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, खुद ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। ये क्वेश्चन है एंड साथ में इसी के साथ तीन और लाइंस है क्वेश्चन, यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें पहले। ये क्वेश्चन है हमारा जनवरी 1 से लेके पहले यहाँ तक जनवरी 20 तक, फिर दो तीन स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में और ऐड हो रही हैं। सो अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यान से लिखिएगा। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले कैश बुक का, आप लिखेंगे कैश बुक फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश बैंक डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश बैंक। यहाँ पे डेबिट लिखना बहुत जरूरी है और यहाँ पे क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखिएगा जनवरी 1 वाली ट्रांजैक्शन, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। सो एक चीज आपने दिमाग से मान लो कि जब पैसा आएगा देन यू हैव टू राइट ऑन दिस साइड, जब पैसा आपके हाथ से जाएगा देन यू हैव टू राइट ऑन दिस साइड, ये वाली साइड में तब लिखना। सो सबसे पहले कैश इन हैंड आपके पास पैसा कितना पड़ा, 70,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, पैसा तो है ही है ना, और कैश में आपके पास 70,000 और आपके बैंक खाते में पैसा 80,000 पड़ा, आपने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। फिर उसके बाद रिसीव्ड कमीशन रुपीज 5,000, आपको बोला था जब पैसा आएगा इस तरफ जब जाएगा इस तरफ, टू कमीशन पैसा कितना आ रहा है 5,000, आपने यहाँ पे कैश में लिख दिया 5,000। फिर पेड सैलरीज बाय चेक, थर्ड पॉइंट देखिएगा जनवरी 3 को पेड सैलरीज बाय चेक, तो आपने क्या पैसा जा रहा है इधर लिख देंगे बाय सैलरीज, बैंक कॉलम में लिख देंगे आप। फिर उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सॉरी जनवरी 4 वाली ट्रांजेक्शन रह गई, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। बच्चे का सोचता है पैसा आ रहा है, चलो जी जनवरी 4 को यहाँ पे लिख देना, हमने लिखना ही नहीं, क्या यहाँ पे लिखा है कि चेक हमने रिसीव करने के बाद बैंक में जमा करा दिया, ये लाइन नहीं लिखी ना, मतलब आपने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, मींस वो चेक आपकी पॉकेट में पड़ा रहेगा, मींस तब आपने एंट्री लिखनी नहीं है इधर। बच्चे क्या करते हैं चेक रिसीव करा गुप्ता से, यहाँ पे लिख देते हैं पैसा चेक आ रहा है तो बैंक कॉलम में लिख देते हैं, ओ चेक हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, मींस वो पॉकेट में पड़ा हुआ है, वो एंट्री नहीं हम लिखेंगे कैश बुक में। सो रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता अगर लिखा होता एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे तो फिर हम लिख देते कि टू गुप्ता बैंक कॉलम में लिख देते अगर वैसा लिखा होता, पर वैसा लिखा नहीं है, मींस हमने चेक जमा ही नहीं कराया, मींस एंट्री नहीं आएगी। फिर जनवरी 5 को देखिएगा कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500, फॉर पर्सनल यूज 1500। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला है, एंट्री क्या होगी ऑफिस यूज, आप याद रखिएगा आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो ऑफिस यूज के लिए, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक से पैसा निकल रहा है टू बैंक, उसकी जनरल एंट्री अगर आप देखिए कैश टू बैंक होगी, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं तो इस जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों से काउंटर एंट्री कहते हैं। सो जनवरी 5 को सबसे पहले तो आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला तो जनरल एंट्री हुई कैश टू बैंक, इसको दोनों तरफ पोस्ट करेंगे बाय कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये देखिए जनवरी 5 को बाय कैश टू बैंक, और यहाँ पे लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा का सी लिख देना, और बाय कैश हमने वैल्यू लिखनी होती है, बच्चे क्या करते हैं बाय कैश टू बैंक, ये तो एंट्री इनको बच्चों को पता चल जाती है पैसा बैंक से निकाला ऑफिस यूज के लिए, पैसा आ रहा है कैश डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक क्योंकि पैसा बैंक से निकल रहा है। तो अब ये चीज याद रखना कैश वाली वैल्यू बैंक में देखो 7500 और बैंक वाली वैल्यू कैश में, ये चीज को आप याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री में ये चीज उल्टी होती है। तो अब आपके पास पर्सनल यूज के लिए आपने बैंक से 1500 निकाला तो पर्सनल यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, ऑफिस यूज के लिए निकाला तो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो उसकी तो वो यहाँ पे पैसा निकल रहा है तो बाय ड्रॉइंग्स लिख देंगे जब हमने पर्सनल यूज के लिए 1500 जोन सा निकाला, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय ड्रॉइंग्स पैसा जा रहा है निकल रहा है तो इधर लिखेंगे, जब पैसा आता तो हम इधर लिखते हैं इस तरफ, तो जा रहा है 1500 मैंने इधर लिख दिया। अब अगला देखिएगा जनवरी 8 वाली ट्रांजैक्शन, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट 15,000,
सेविंग्स अकाउंट मालिक का पर्सनल अकाउंट होता है, मीन्स मालिक ने क्या करा, अपने सेविंग्स अकाउंट्स में से पैसा करंट अकाउंट में डाल दिया, बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया, इसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। मालिक पैसा, जो भी पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। मालिक ने अपना पर्सनल पैसा करंट अकाउंट में डाल दिया, मीन्स मालिक ने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो जो भी पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। जनवरी 8 को मैंने क्या लिख दिया, टू एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, 15,000 हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ रहा है। सेविंग्स प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट से उसने कंपनी का अकाउंट होता है करंट अकाउंट। प्रोप्राइटर ने अपने सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा डाल दिया, मतलब वो एडिशनल कैपिटल हो गई 15,000 की, मैंने वो यहाँ पे डाल दी। अब जनवरी 9 को देखिएगा, जो चेक हमने मिस्टर गुप्ता से रिसीव करा था जनवरी 4 को, देखो ये 4 को रिसीव करा था, वही चेक हमने बैंक में कब जमा करवाया, जनवरी 9 को। जनवरी 4 को तो हमने कोई एंट्री नहीं डाली थी क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा करा, अब तो करवा दिया ना बैंक में जमा, तो जनवरी 9 में यहां पे एंट्री की, पैसा आ रहा है ना, तो इस तरफ ही आएगी। टू चेक इन हैंड 9,000 बैंक कॉलम में, ठीक है। जनवरी 9 की ट्रांजैक्शन, जनवरी 9 को हमने ये गुप्ता वाला जनवरी 4 वाला चेक बैंक में जमा कराया, तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, टू चेक इन हैंड बैंक कॉलम में 9,000 जाएगा, ठीक है जी। चेक इन हैंड गुप्ता नहीं लिखेंगे, अगर उसी दिन जिस दिन रिसीव करा उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया होता तो टू मिस्टर गुप्ता बैंक कॉलम में डालते, पर जिस दिन रिसीव करा उस दिन हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, उस दिन तो कोई एंट्री नहीं आई जनवरी 4 को, और जनवरी 9 को हमने वो वाला चेक बैंक में जमा करा दिया टू चेक इन हैंड बैंक कॉलम में। उसके बाद जनवरी 10 को देखिएगा, चेक रिसीव फ्रॉम रोहन 8,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू रोहन, और बैंक में उसी दिन पैसा जमा करा दिया, तो टू रोहन बैंक कॉलम में 8,000 चला गया। उसके बाद जनवरी 20 को आ जाइएगा, सो 18 को आ जाए पहले, 15 हमने अभी कौन सी करी है, जनवरी 10 वाली एंट्री कर ली। जनवरी 10 को क्या था, चेक हमने रोहन से रिसीव करा, उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, बैंक कॉलम में आ गया और रोहन से चेक रिसीव करा था। अब जनवरी 15 को चेक रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 9,000, हमने चेक रिसीव करा मोहन से 9,000 का, क्या लिखा, बैंक में जमा करा दिया, नो ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि हमने बैंक में जमा ही नहीं कराया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मोहन वाला चेक एंडोर्स हो गया, हमने कर दिया सपोज मोहन वाला चेक एंडोर्स कर दिया शाम को, मींस हमने किसी और को दे दिया, क्या मोहन वाला चेक जब रिसीव करा था हमने यहाँ पे लिखा नहीं, नहीं लिखा था ना क्योंकि हमने बैंक में जमा कराया, तो जब हमने शाम को भी दे दिया तो भी नहीं लिखेंगे अपनी कैश बुक में, ठीक है ना। सो जब हमारा ये चेक जो हमने रिसीव करा वही हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो फिर वही चेक जब हमने किसी को दे दिया, वही किसी को उठाकर, हमने किसी और के पैसे देने थे, हमने ये मोहन वाला ही चेक किसी और को उठाकर दे दिया, तो उसकी भी एंट्री नहीं आएगी। तो अब अगली जनवरी 20 वाली ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिएगा, रिसीव चेक फ्रॉम रीटा रुपीज 4,000 का चेक रिसीव करा एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो जनवरी 20 को लिख दिया टू रीटा, पैसा आ रहा है और बैंक कॉलम ने क्योंकि हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। अब जनवरी 20 को एक और एंट्री है, देखो पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को हमने 12,500 रेंट पे कर दिया, बाय रेंट यहाँ पे क्या लिख दिया 12,500 कैश कॉलम में, क्योंकि कुछ चेक वगैरह नहीं लिखा हुआ, मींस वो हमने कैश के राह ही दिए। फिर रीटास चेक वॉज डिसऑनर्ड, ये जो उनसा चेक रीटा से हमने रिसीव करा था, बैंक में भी जमा करा दिया, हमारे को जनवरी 20 को रिसीव करा था, बैंक में जमा करवा दिया और 21 को पता चला वो डिसऑनर ही होगा, चेक ही फेल होगा, तो अब उसकी एंट्री क्या पड़ेगी, जब रिसीव करा था टू रीटा लिख दिया और जब हमारा फेल हो गया तो हम क्या लिख देंगे, बाय रीटा बैंक कॉलम में। सो जब आ रहा था पैसा, मीन जब हमने बैंक में जमा करा दिया था वो चेक, तो 4,000 टू रीटा बैंक कॉलम में लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, बाय रीटा बैंक कॉलम में ही 4,000 लिखेंगे, चेक फेल होने की एंट्री है। फिर उसके बाद जनवरी 22, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। सो अगर ये पॉइंट ना होता जनवरी 22 वाला, तो मैं क्या करता, इस तरफ का टोटल करता, मेरे पास इस तरफ का टोटल क्या आ रहा है, 82,500, और मैं क्या करता उसमें से ये माइनस कर देता 12,500 और बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देता जनवरी 31 को, यानी बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देता। अगर ये लास्ट पॉइंट ना लिखा होता, मैं इस तरफ का टोटल करता 82,500, वही इस तरफ लिखता 82,500, और 82,500 में से 12,500 माइनस करता, 70,000 मेरे पास रह जाना, है ना।
तो अब पर ऐसा है नहीं, लास्ट पॉइंट है, वो कह रहे हैं हमारे पास जितना कैश पड़ा 70,000 कैश पड़ा, हमने अपने पास कितना रखा 4,000, बाकी सारा कहाँ पे जमा करा दिया बैंक में। सो अगर यही एंड अगर ये लास्ट लाइन ना लिखी होती, अगर ये वाली लास्ट लाइन ना लिखी होती डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश इन एक्सेस ऑफ 4,000, तो हम क्या करते, बस यही करते, इसका टोटल करते इस तरफ, उसमें से ये 12,500 माइनस करते 70,000 लिख देते, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देते, काम खत्म था। बट उन्होंने बोला जितना कैश तुम्हारे पास पड़ा, कितना कैश पड़ा 70,000, 70,000 में से अपने पास तुमने 4,000 रख लिया, बाकी कहां पे जमा करा दिया बैंक में, कितना बैंक में जमा करा दिया 64,000 बैंक में जमा कराने की एंट्री। जरा सोचो, जरा ध्यान से सोचना, बैंक अब 64,000 बैंक में जमा करा दिया, इसकी जमा कराने की एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जा रहा है इसलिए बैंक टू कैश, तो हम क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट जनवरी 22 को हमने जमा कराया ना ये कैश इन एक्सेस, कितना बाय बैंक टू कैश, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे जनवरी 22 को जो डाल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ आएगी बैंक और कैश, क्योंकि उसमें दोनों इन्वॉल्व है, बाय बैंक टू कैश, और आपने क्या लिखना है, कॉन्ट्रा वाला सी लिख देना लेजर फोलियो में, बाय बैंक टू कैश, लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा वाला सी लिख देना, यहाँ पे भी लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा वाला सी लिख देना, आपने बैंक में कितना जमा करवा दिया 64,000, बाय बैंक वाला कैश में आ जाएगा 64, और टू कैश वाला आ जाएगा बैंक के अंदर 64,000। सो अब ये हमारा हो गया पॉइंट कि कैश इन एक्सेस ऑफ 64,000, कैश इन एक्सेस ऑफ 4,000 हमने बैंक में जमा करा दिया, वैसे हमारे पास 70,000 कैश था, अपने पास कितना रख लिया, वो कह रहे हैं अपने पास रखना 4,000, बाकी 4,000 से अलावा जो भी एक्सेस में 64,000 यानी एक्सेस हो गया, 70,000 था, 4,000 अपने पास रखा, मीन 64,000 बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जमा कराने की एंट्री बाय बैंक टू कैश 64,000 हमने लिख दिया। सो अब हमारे पास करेंगे टोटल बैंक साइड का, इस तरफ का टोटल करेंगे और इस तरफ का टोटल करके मेरे पास आ रहा है जो भी आ रहा है, तो मैं इसका टोटल करता हूँ। सो 95 प्लस 17, सो 95 प्लस 17 दैट इज 1,00,000, 1,12,000, 1,12,000 प्लस 4,000 1,16,000, 1,16,000 प्लस 64,000 दैट इज 1,80,000। सो मैं दोनों तरफ 1,80,000 लिखूंगा, ये बड़े वाला टोटल, इसका टोटल करा 80 प्लस 15 95 95 प्लस 17 दैट इज 1,12,000, देन 1,12,000, 1,16,000 प्लस 64,000 दैट इज 1,80,000, 1,80,000 में से ये सारा कुछ माइनस कर दूंगा और मेरे पास माइनस करके आ रहा है 1,59,000। सो यहाँ पे भी 1,80,000 लिखूंगा, बड़े वाला टोटल दोनों तरफ, इसका टोटल 180 आ रहा है, 180 दोनों तरफ लिखा, 180 में से ये सारा कुछ माइनस करके मेरे पास बच रहा है 1,59,000, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया महीने के लास्ट डेट जनवरी 31 को, दैट्स इट।